हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल ट्रेवलर सचिन में। तो गाइस कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो गाइस जैसा कि आप लोगों ने मेरे थंबनेल पे देखा कि मैं आज आप लोगों को बताऊंगा अपने ब्लॉगिंग सेटअप के बारे में, तो मैं आ चुका हूं अपने घर पर। और पहले मैं आपको ले चलता हूं अपने स्टूडियो में, यानी जहाँ पर मैं अपने वीडियोज़ को एडिट करता हूं। तो आइए चलते हैं और वहां का सीन मैं आपको दिखाता हूं। तो गाइस फाइनली मैं आ चुका हूं अपने घर के अंदर, और ये आप लोग घर के अंदर का कुछ नज़ारा आप लोग देख सकते हैं। हमारे यहाँ रूम भी अवेलेबल है, अगर किसी स्टूडेंट्स को लेना हो तो आ सकता है। अभी तो फिलहाल रूम खाली नहीं है, दो तीन स्टूडेंट्स रह रहे हैं। बाकी आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कमेंट इंक्वायरी कर सकते हैं जब भी रूम अवेलेबल होगा। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं गाइस अपने ऑफिस में। ये रहा मेरा ऑफिस, या कह सकते हैं स्टूडियो, जहाँ पर मैं अपने वीडियोज़ को एडिट करता हूँ। और मैं अभी आप लोग को दिखाने वाला हूँ अपने सारे गैजेट्स जो भी मैं यूज़ करता हूँ अपने एडिटिंग में या व्लॉगिंग में। तो गाइस आइए देखते हैं हमारे सारे। अब मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ अपने सारे गैजेट्स जो अपने मैं व्लॉगिंग में यूज़ करता हूँ। तो फाइनली ये रहा हमारा पहला गैजेट, जो कि है माइक। ये है बोया कंपनी का माइक, और इसी का अभी तक मैं यूज़ किया करता था। और गाइस मेरे पास एक दूसरा माइक भी है, उसको भी मैं कभी कभी यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा वायर बड़ी है इसलिए मुझे कभी उसका यूज़ करना पड़ जाता है। और गाइस ये रहा हमारा दूसरा गैजेट, ये है मोबाइल होल्डर या कैमरा होल्डर भी कह सकते हैं। इसका यूज़ करके मैं इसमें अपने फ़ोन को सेट कर लेता हूँ। इसमें देख सकते हैं आप लोग, लाइट भी दी हुई है जो कि रात में काफ़ी वर्क करता है, हेल्प करता है, मदद करता है मुझे वीडियोस को शूट करने में। और तीसरा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैजेट है गाइस, ये मेरा स्मार्टफोन जो कि सैमसंग का है, सैमसंग गैलेक्सी M20 3/32। और इसके कैमरा के बारे में आपको बता दूं, ये है 13.5/2 मेगापिक्सल का, और फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का है। तो गाइस इसी से अभी तक मैं अपने सारे वीडियोस को शूट करता था, बट उसकी क्वालिटी कुछ खास नहीं थी, इसलिए मैं अब जल्द ही फ़ोन चेंज करने वाला हूँ और नया फ़ोन ले लूँगा। और गाइस डेस्कटॉप के बारे में तो आपने देख ही लिया होगा, ये रहा हमारा डेस्कटॉप, इसको इसी पर मैं वीडियोस को एडिट करता हूँ। और ये अभी मैंने एक हफ्ता हुआ इसको बनवाए, क्योंकि ये काफ़ी दिनों से ख़राब पड़ा था, और इसको बनवाने में ही उतना खर्चा गया जितना कि मैं नया एक डेस्कटॉप ले सकता। जाइए मैं एक बार फिर से अपने पूरे स्टूडियो का सीन आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं आप लोग, तो गाइज अभी तक जितने भी गैजेट्स आप लोगों ने देखे इन्हीं का इस्तेमाल मैं करता था अपने वीडियोस को एडिट करने में और शूट करने में। और गाइज अभी तक मेरे वीडियोस में इतने ज़्यादा क्वेरीज या कमेंट्स तो आए नहीं कि मैं क्यों इन्हें वीडियो बना सकूं, पर फिर भी मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं, अपने वीडियो अपने बारे में कुछ बता देता हूं, क्योंकि आप किसी के बारे में तभी देखना या वीडियोस को देखना या उसके बारे में जानना पसंद करेंगे जब उसके बारे में आप जानते हों या कुछ पता हों। तो गाइज मैं पहले बता दूँ कि मैं प्रयागराज के बहुत सारी जगहों के वीडियोज़ को शूट किया है, अपलोड किया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा, आप लोग वहां से जाकर के उसको। गाइस ये तो था मेरे सारे गैजेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन और मेरे बारे में इंट्रोडक्शन, पर हम अपने रियल टारगेट पर कल से वापस लौटेंगे, यानी नए जगहों की वीडियोस को मैं आपको कल से प्रोवाइड करूँगा। कल हम निकलेंगे नए शूट पर, देखते हैं अब कल कहाँ जाना होता है, हो सकता है कौसाम्बी तरफ कल मुझे जाना है, तो वहाँ की वीडियो मैं आप लोग को प्रोवाइड करूँगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, और जितना भी आप लोग हो सके हमको सपोर्ट करिए, वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।